अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू के पी के ब्यूटी चैनल। के पी के ब्यूटी चैनल में खुश आमदीद। हम आज कोटली कलान खलील पट्टी की मस्जिद में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे मौलवी साहब को कुछ ज़रूरी मसाइल रोज़े के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। ज़रा आप लोगों गौर से सुनिए। मैं आप हजरात के सामने रोजे के मुताबिक चंद मसाइल को जिक्र करूंगा। सबसे पहले मसला ये है, कौन से ऐसे अफराद हैं जिनके लिए रोजा न रखने की इजाजत है मगर इसके बाद उसकी कजा करेंगे। पहले सबसे पहले आप हजरात के सामने औरतों की लिस्ट में बयान करो। औरत को जब माहवारी आ जाती है, माहवारी की सबसे कम अज कम मुद्दत 3 दिन है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। अगर औरत को माहवारी आती है तो औरत के लिए रोजा रखना जायज नहीं है, यानी औरत रोजा नहीं रख सकती। मगर वो औरत जब ठीक हो जाएगी रमजान गुजरने के बाद इसकी कजा करेगी, इसके ऊपर इसका कजा करना लाजमी और जरूरी है। दूसरी वो औरत जो निफास वाली हो, जिस औरत का बच्चा पैदा हो चुका है, इसकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 दिन है। अगर औरत का बच्चा पैदा होता है, अगर ये औरत 40 दिन से पहले अगर साफ न हो तो 40 दिन तक ये औरत रोजा नहीं रख सकती है, और 40 दिन उसके ऊपर गुजर जाएंगे, ये औरत साफ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, तो ये औरत रोजों की कजा करेगी, इसके ऊपर रोजों का कजा करना लाजमी और जरूरी है। तीसरी वो औरत जो बच्चे को दूध पिला रही हो, अगर ये औरत बच्चे को दूध पिला रही है, दूध के कम होने का खौफ है या औरत के बीमार होने का खौफ है, तो ऐसी सूरत में अगर ये औरत उसी हालत में रोजा ना रखे, बाद में इसकी कजा करेगी तो इसको इसकी इजाजत है। चौथी वो औरत जिस औरत के पेट में बच्चा हो, अगर ये औरत रोजा ना रखे तो रोजा न रखने की इजाजत है मगर इसके के ऊपर लाजिम है कि इसके बाद उसकी कजा करें। और उसके अलावा मुसाफिर है, ये मुसाफिर हजरात भी अगर सफर पे चले जाए तो सफर की हालत में अगर ये रोजा न रखे तो न रखने की इजाजत है मगर बाद में इसकी उनके ऊपर लाजमी है कि इसकी कजा करें। और इसी तरीके से कोई बंदा इस तरह है, मरीज है, जिस तरह आमतौर पर शुगर का मरीज होता है या टीबी का मरीज होता है, शुगर का मरीज या टीबी का जो मरीज है, अगर किसी खादिम डॉक्टर यदि किसी मुसलमान डॉक्टर और तजुर्बेकार डॉक्टर ने यह बात बताई, अगर तू रोजा रखेगा तो तेरी बीमारी बढ़ जाएगी या तेरे शिफा होने में देर लग जाएगी, तो ऐसे बंदे के लिए इजाजत है कि वो रोजा उसी हालत में न रखे बल्कि बाद में वो रोजे की कजा करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और जिसको भी कोई मसला पूछना हो तो हमें बता दीजिए इख्तिलाफी मसाइल के अलावा। और हमारे के पी के ब्यूटी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।